और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से लखीमपुर जा रही है। आज वो मृत किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगी और अंतिम अरदास में शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी के काफिले में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। हालांकि पहले खबर ये आई थी कि प्रियंका वर्चुअली अरदास में शामिल होंगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि लखनऊ से लखीमपुर खीरी रवाना होंगी प्रियंका गांधी और उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। आपको अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहले खबर आ रही थी कि प्रियंका वर्चुअली इस अरदास में शामिल होंगी, अभी फिलहाल क्या कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल श्वेता, पहले जिस तरीके की खबर थी कि वर्चुअली माध्यम से वो अरदास में जुड़ती, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ ये कार्यक्रम बनाया है। सुबह वो 8 बजे के लगभग यहाँ पर पहुंची है, उसके बाद वे सीधे यहाँ से निकल रही है, बाय रोड वो जा रही है, सीतापुर होते हुए लखीमपुर खीरी जाएंगी। इस वक्त वो सीतापुर टोल के पास में पहुंचने वाली है, वहां से सीधे वो कूच करेंगी पलिया की तरफ, जहाँ वो किसान परिवार के साथ मिलेंगी और वहां पे अंतिम अरदास में शामिल होंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्वेता ये भी है कि प्रशासन ने इस बार प्रियंका गांधी को नहीं रोका है। जिस तरीके की बंदिश और जिस तरीके का प्रतिबंध पिछली बार देखने को मिला था, लेकिन इस बार एयरपोर्ट से सीधे निकल के उनका काफिला जो है इस वक्त सीतापुर हाईवे पर है, लखीमपुर की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं जो लखनऊ से उनके साथ जुड़ रहे हैं, और ये काफिला जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगी सीतापुर से होते हुए लखीमपुर खीरी तक, इसमें और जो स्थानीय नेता है वो जुड़ते जाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी दिखाई देंगी, जो सबसे पहले इस मामले में पीड़ित परिवार के पास पहुंची थी। सीतापुर में 3 दिनों तक हिरासत में रही, लेकिन आज अंतिम अरदास के लिए वो पीड़ित परिवार के पास इस वक्त पहुंच रही है। बिल्कुल अभिषेक, साथ ही जाना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि एक बड़ा काफिला जाने वाला है यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं का, कितने लोग होंगे लगभग? देखिए बिल्कुल, यहाँ जो लखनऊ से जो निकले तो उसमें कम से कम तकरीबन 25 से 30 गाड़ियां उनकी काफिले में मौजूद है, और ये काफिला आगे बढ़ता जाएगा। हालांकि हमें देखना होगा कि हो सकता है कि उनको सीतापुर के आगे गाड़ी के काफिलों को रोक दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी जब राहुल गांधी का काफिला यहाँ से पहुंचा था तो बड़ी संख्या में सीतापुर हाईवे पर कुछ गाड़ियों को निकाल करके बाकी कार्यकर्ताओं और बाकी नेताओं को रोक दिया गया था। तो वो देखना होगा, लेकिन तैयारी जरूर पूरी है कांग्रेस पार्टी की कि आज भी पूरी संख्या के साथ वो पहुंचे। ऐतिहास के तौर पर लखीमपुर में भी प्रशासनिक अमले ने तैयारी की है। अभिषेक, आप नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।